Welcome to my YouTube channel Technical Salman. So hello and welcome दोस्तों Technical Salman channel में एक बार फिर से आपका स्वागत है। तो चलिए दोस्तों आज की वीडियो में हम बात करने वाले हैं Vivo फोन के Android 12 एंड FantaJOS 12 के बारे में। हाँ दोस्तों Android 12 एंड FantaJOS 12 के अपडेट के बारे में आज आप लोगों को बताने वाला हूँ कौन कौन से डिवाइस में Android 12 का अपडेट देखने को मिलेगा और एक न्यू लिस्ट आ चुका है। तो आज मैं आप लोगों को बताऊंगा इस लिस्ट में कौन कौन से डिवाइस का नाम है और Android 12 का अपडेट कौन कौन से डिवाइस को देखने को मिलेगा, तो इसी के बारे में आज हम आप लोग को बताने वाले हैं। तो चलिए दोस्तों वीडियो को एंड तक देखिएगा, स्किप मत कीजिएगा ताकि मैं आप लोग को सब कुछ बता सकूँ स्टेप बाय स्टेप। तो चलते हैं दोस्तों वीडियो को शुरू कर लेते हैं। इससे पहले हमारे वीडियो को लाइक कर लेना और इंस्टाग्राम का लिंक मिल जाएगा डिस्क्रिप्शन में, वहां से जाके आप लोग फॉलो कर लेना। अगर आप चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को इंप्रेस कर लेना ताकि हर एक वीडियो का नोटिफिकेशन सबसे पहले आप तक पहुंचे। तो फाइनली दोस्तों आज हम आप लोग को बताने वाले वीवो डिवाइस के एंड्रॉयड 12 एंड FantaJOS 12 के अपडेट के बारे में। तो चलिए दोस्तों मेरे पास एक न्यू लिस्ट आ चुका था, इस लिस्ट में कौन कौन से डिवाइस का नाम है एंड्रॉयड 12 का अपडेट देखने को मिलेगा उसके बारे में आज आप लोग को बता देता हूँ। तो चलते अपने फोन के स्क्रीन पर और आप लोग को चल के दिखा देता हूँ। तो फाइनली दोस्तों साइड में स्क्रीन रिकॉर्डिंग देखने को मिल जाएगा। तो यहाँ पे आप लोग को चल के दिखाता हूँ, एक लिस्ट आ चुका है मेरे पास। तो यहाँ पे आप लोग देख सकते हैं कुछ इस तरीके के इंटरफेस, यहाँ पे वीवो एंड्रॉयड 12 एंड FantaJOS 12 ओरिजिन OS आइको 3.0 यहाँ पे आप लोग को देखने को मिल जाता है, आइको UI 3.0। तो यहाँ पे आप लोग देख सकते हैं अपडेट, यहाँ पे कुछ इस तरह के लिस्ट ऑफ, यहाँ पे डिवाइस रिलीज डेट। तो रिलीज डेट के बारे में भी आप लोगों को बताऊंगा कब तक एंड्रॉयड 12 का अपडेट मिलेगा और कौन से डिवाइस में मिलेगा उसके बारे में भी आप लोगों को बताने वाला हूं। और नीचे यहां पे आप लोग देख सकते हैं कुछ इस तरीके इन्फॉर्मेशन है, तो आप लोग पढ़ सकते हैं वन प्लस का भी नाम यहां पे। और चलते हैं नीचे और स्क्रॉल डाउन करके, तो यहाँ पर आप लोग देख सकते हैं गुड, यहाँ पर वर्क, यहाँ पर आप लोग देख सकते हैं एंड्रॉयड 12, यहाँ पे FantaJOS 12 के बारे में भी आप लोग को देखने को मिल जाता है। और यहाँ पे एंड्रॉयड 11 रोल आउट, तो एंड्रॉयड 11 का रोल आउट हो रहा है, इसके बाद आपको देखने को मिलेगा जो नया फ़ोन लॉन्च हुआ होगा 2020 में उसको एंड्रॉयड 12 का अपडेट देखने को मिलेगा। तो फाइनली उसको नीचे चलते हैं स्क्रॉल डाउन करते हैं, यहाँ पे वीवो का नाम देखने को मिल जाता है और उसके बाद आपको नीचे देखने को मिल जाता है, आप लोग भी पढ़ सकते हैं कुछ इस तरीके का इंटरफेस, देखिए एंड्रॉयड 11 स्प्लिट, यहाँ पे कुछ इस तरीके का इंटरफेस देखने को मिल जाता है। तो और नीचे चलता हूँ स्क्रॉल डाउन करके, तो यहाँ पर आप लोग देख सकते हैं एंड्रॉयड 12 वर्जन 2.24 यहाँ पर आप लोग देख सकते हैं पिक्सल, यहाँ पर आप लोग को देखने को मिल जाता है। तो और नीचे चलता हूँ स्क्रॉल डाउन करते हैं, यहाँ पे आपको देखने को मिल जाता है वीवो का आइको 7 फ़ोन, इसमें एंड्रॉयड 12 का अपडेट के साथ लॉन्च किया जाएगा, यहाँ पे आप लोग को देखने को मिल जाता है। यहाँ पे FantaJOS 12, यहाँ पे ओरिजिन OS एंड आइको UI 3.0 यहाँ पे आप लोग को देखने को कुछ इस तरीके के इंटरफेस देखने को मिल जाता है। और नीचे बेस्ट ऑन एंड्रॉयड 12, तो यहाँ पर आप लोग को कुछ इस तरीके के इंटरफेस देखने को मिल जाता है। और नीचे चलता हूँ स्क्रॉल डाउन करते हैं, यहाँ पे आप लोग को देखने को मिल जाता है FantaJOS, जो कि एंड्रॉयड 12 ओरिजिन OS आइको UI 2.0 रिलीज डेट। तो रिलीज डेट के बारे में भी आप लोग को बताऊंगा। और यहाँ पे आप लोग देख सकते हैं एंड्रॉयड रोल आउट टेस्ट एंड्रॉयड 11 बेटा 4, यहाँ पे आप लोग को देख एंड्रॉयड 11 का जो अपडेट कुछ यूजर्स को बेटा अपडेट करके दिया जा रहा है उसके बारे में भी यहाँ पर दिया है। और नीचे चलता हूँ स्क्रॉल डाउन करके, तो यहाँ पे फ़ोन का नाम बता देता हूँ कौन कौन से फ़ोन को अपडेट देखने को मिल जाएगा। तो नीचे चलता हूँ स्क्रॉल डाउन करके, तो यहाँ पे चलता हूँ, तो यहाँ पे आपको नाम देखने को मिल जाता है वीवो का X60T और X60 Pro और X60, और यहाँ पे आपको देखने को मिलता है X60 Pro Plus, X50 5G और नीचे देखने को मिल जाता है X50 50 Pro, 50 Pro Plus, 50e और 50 Lite। तो यहाँ पे आप लोगों को कुछ इस तरीके के इंटरफेस देखने को मिल जाता है। उसके बाद आपको 51 5G, Nexus 3S 5G और उसके बाद आपको देखने को मिल जाता है S9 S9e, S7T और यहाँ पे आप लोगों को देखने को मिल जाता है S7e। उसके बाद नीचे देखने को मिल जाता है S7, उसके बाद नीचे आप लोगों को देखने को मिल जाता है Y30 Y13, यहाँ पे आप लोगों को देखने को मिल जाता है, दो फ़ोन है चाइनीज से यहाँ पे। और यहाँ पे नीचे देखने को मिल जाता है जो कि Y31 Y31S, यहाँ पे सभी फ़ोन का नाम देखने को मिल जाता है। नीचे आपको देखने को मिल जाता है Y20, तो Y20 आपको देखने को मिल जाता है इंडिया में फ़ोन है, और यहाँ पे Y20S इंडिया में फ़ोन है, और यहाँ पे Y20G, तो यहाँ पे आप लोगों को इतना फ़ोन का नाम देखने को मिल जाता है। इन सभी फ़ोन में FantaJOS 12 और एंड्रॉयड 12 का अपडेट रोल आउट किया जाएगा। उसके बाद आपको देखने को मिल जाता है वीवो का Y20 2021, Y20i, Y51, Y12S, Y
Y51S यहाँ पे आपको देखने को मिल जाता है फ़ोन का नाम, और यहाँ पे आपको देखने को मिल जाता है Y51 2020 फ़ोन यहाँ पे आपको देखने को मिल जाता है। तो इन सभी फ़ोन का नाम देखने को मिल जाता है। नीचे आपको चल के दिखाता हूँ, यहाँ पे Vivo का B19, B20, B20 Pro, B20 SE यहाँ पे इन सभी फ़ोन का नाम देखने को मिल जाता है। तो इन सभी फ़ोन में एंड्रॉयड 12 का अपडेट मिलेगा। और यहाँ पे आपको नीचे चलता हूँ तो नीचे देखने को मिल जाता है फ़ोन यहाँ पे आइको का, तो आइको Z3, आइको सेवन फ़ोन में आपको एंड्रॉयड 12 का अपडेट देखने को मिलेगा। और नीचे चलता हूँ यहाँ पे आपको सभी फ़ोन का नाम देखने को मिल जाता है, यहाँ पे एंड्रॉयड 12 का अपडेट देखने को मिलेगा। लेकिन दोस्तों इसमें अभी तक एंड्रॉयड 11 का अपडेट कुछ यूजर्स को देखने को नहीं मिला। वीवो का B15 प्रो में मिल चुका है, वीवो के B15 में भी एंड्रॉयड 11 का अपडेट देखने को मिला है नहीं। तो फाइनली दोस्तों जब तक एंड्रॉयड 11 का अपडेट देखने को मिल जाएगा सभी फ़ोन में, उसके बाद एंड्रॉयड 12 का अपडेट प्रोवाइड किया जाएगा। जो डिवाइस 2021-20 में लॉन्च किया गया था उन सभी डिवाइसों को प्रोवाइड किया जाएगा एंड्रॉयड 12 का अपडेट। तो फाइनली दोस्तों ये था जो कि एंड्रॉयड 12 के अपडेट के बारे में। और यहाँ पे आपको देखने मिल जाता है एंड्रॉयड 12 एंड फन टच ओएस 12 ओरिजिन ओएस आइको UI 3.2 का यहाँ पे कुछ इस तरीके इंटरफेस देखने को मिल जाता है। और यहाँ पे आप लोग देख सकते हैं एंड्रॉयड 12 बेटा अपडेट यहाँ पे आपको देखने को मिल जाता है। तो दोस्तों ये सभी डिवाइसों का नाम दिया है कि एंड्रॉयड 12 का अपडेट इन सभी डिवाइसों में देखने को मिलेगा। फाइनली दोस्तों ये था जो कि एंड्रॉयड 12 अपडेट के बारे में, फाइनली आप लोग को जो था मैं यहाँ पे बता दिया। और इसमें कोई कंफर्म डेट नहीं है कि कब तक एंड्रॉयड 12 का अपडेट प्रोवाइड किया जाएगा इन सभी डिवाइसों में। जल्दी ही कोई लिस्ट आएगा तो मैं आप लोग के लिए वीडियो बना दूंगा। फाइनली दोस्तों ये था जो कि वीवो के एंड्रॉयड 12 फंटच ओएस 12 अपडेट के बारे में। तो फाइनली आप लोग को पता चल गया होगा कौन कौन से डिवाइस को एंड्रॉयड 12 का अपडेट प्रोवाइड किया जाएगा उसके बारे में आप लोग को पता चल गया होगा। तो चलिए दोस्तों आज के लिए इतना ही। आई होप अगर हमारा वीडियो अच्छा लगा तो सब्सक्राइब कर लीजिए, लाइक कर लीजिए। फिर मिलते हैं किसी इंटरेस्टिंग वीडियो के साथ, तब तक के लिए बाय बाय दोस्तों।